हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड फूड विद ऐश। आज की हमारी रेसिपी है चना पापड़, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। चलो अब हम इसे बनाते हैं। अब हमने थाली में आटा ले लिया है और इसके अंदर चना पापड़ मसाला, ये 1 किलो के लिए है थैली, इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये हमने चना पापड़ मिक्स कर दिया है और अब हम इसे पानी की हेल्प से गूंथ लेंगे। इसे हम टाइट ही रहने देंगे। ये पापड़ का आटा लगकर तैयार हो चुका है। फर्श को हमने अच्छे से साफ कर लिया है और उसके ऊपर तेल लगा दिया है। अब हम पापड़ के आटे को इस तरह हथौड़े की मदद से अच्छे से कूटेंगे। दस मिनट तक इसे तेल लगा लगा कर इस तरह से कूटते रहे। इस तरह से डो तैयार हो जाएगा लगभग ऐसा। अब इस तरह से इसे लंबी लंबी बेल लें। अब इस तरीके से इसकी लोई काट लें। इस तरह सारी लोई कट करने के बाद थोड़ा सा तेल की हेल्प से इसे प्रेस कर लें। इस तरह हमने सारी लोई बनाकर रख ली है। इसे ढककर ही रखें। चकला और बेलन की हेल्प से इसे बेल लें। ये पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे सुखाने के लिए डाल देते हैं। इस तरह हमने सारे पापड़ तैयार कर लिए हैं। इन्हें एक धूप ज़रूर दिखाएं ताकि ये ख़राब ना हो।